हेलो दोस्तों, स्वागत है जी तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों हाजरा सम्मिलित सिक्ख्या नाल संबंधित नैक्सट पार्ट लै के इस तो पहला दो पार्ट करवा चुके हाँ जी। जेकर अजे तक नहीं देखे वो जरूर देख लेना। सो जिहड़े दोस्त नवे हैं वो साडा चैनल सबसक्राइब जरूर कर लैन जी, ताकि तुहाडे तक भी साडी वीडियो दा नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो ज़्यादा समा ना लेंदे हुए अज दा टॉपिक शुरू करते हाँ, जिस विच 43 नंबर क्वेश्चन देखो। व्यक्तिगत अपाहजता एक्ट 1995 ते जोर दिता जाता है। जिहड़ा अपाहजता एक्ट 1995 है जी, उस विच किस चीज़ ते जोर दिता गया है? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। उस विच जोर दिता गया है जी, बराबर का मौका, अधिकारां दी रक्षा अते पूरी भागीदारी। ये तिने ऑप्शन सही है ना, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन डी, उपरोक्त सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंचित बच्चों में की कमी है? वंचित बच्चों में केड़ी कमी होंगी है जी? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं ना। वंचित बच्चों में कमी होंगी है जी, अपने आप फैसला लैन की घाट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किहड़ा माहौल बच्चे के विश्वास को बढ़ा सकता है? किहड़ा माहौल बच्चे के विश्वास को बढ़ा सकता है जी? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। वो माहौल है जी जिहड़ा बच्चे के विश्वास को बढ़ा सकता है, वो है स्कूल का माहौल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ है? सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ की है? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ है जी सारे नूं जागरूकत करन दी लहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्मिलित शिक्षा की लोड़ है? सम्मिलित शिक्षा की लोड़ क्यों है जी? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। इसकी लोड़ है जी संविधानिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कूल विच एक अध्यापक को बथेरे महत्व देना चाहिदा है? स्कूल विच एक अध्यापक को किसते बथेरे महत्व देना चाहिए है जी? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। स्कूल विच एक अध्यापक को सारे लिए बराबर महत्ता देनी चाहिए है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखने दौरान असमर्थ बच्चों को अक्सर मुश्किल होती है? जिहड़े असमर्थ बच्चे होंदे हन जी, उन्हां नूं सीखने विच किस चीज़ की मुश्किल होंदी है? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। उन्हां नूं सब तो ज़्यादा मुश्किल होंदी है जी लिखण विच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंचित बच्चों लिए सिलेबस किस तरह का होना चाहिए है? जिहड़े अपाहज बच्चे हैं उन्होंने सिलेबस किस तरह का होना चाहिए है जी? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। उन्होंने सिलेबस होना चाहिए है जी आसान अते समझण योग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस किस्म के बच्चों को एक आम क्लासा विच उन्होंने जरूरतों को पूरा करने लिए बथेरे सहयोग की लोड़ होंगी है? किस तरह के बच्चे को एक आम क्लास के विच बथेरे सहयोग की जरूरत होंगी है जी? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। क्लास के विच बथेरे सहयोग की जरूरत होंगी है जी अपाहज बच्चों के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्मिलित सिक्ख्या उन्होंने बच्चों लिए तैयार की गई है जो? सम्मिलित सिक्ख्या किन्ना बच्चों लिए तैयार की गई है जी? नीचे ऑप्शन दिते गए हैं। सम्मिलित सिक्ख्या तैयार की गई है जी अपाहज बच्चों के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपाहज व्यक्तियों को बराबर मौकों के अधिकार किहड़े साल मिले? अपाहज व्यक्तियों को बराबर मौकों के अधिकार किहड़े साल मिले जी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ये अधिकार मिले जी 1995 दे विच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपाहज व्यक्तियों के बराबर अवसरों और अधिकारों अनुसार व्यक्ति के उचित वातावरण में मुफ्त सिक्ख्या प्राप्त करने लिए वध तो वध उम्र कितनी रखी गई है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इस विच वध तो वध उम्र रखी गई है जी 18 साल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब तो पहला जात फिरके अते धर्म के आधार पर स्कूल सिस्टम का सुझाव दिता गया सी। सब तो पहला धर्म जात अते फिरके के आधार पर स्कूल सिस्टम का सुझाव किसने दिता सी जी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ये सुझाव दिता सी जी कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपाहज बच्चों लिए एकीकृत सिक्ख्या लॉन्च किया गया, ये कदों लॉन्च किया गया जी? अपाहज बच्चों लिए एकीकृत सिक्ख्या कदों लॉन्च किया गया जी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अपाहज बच्चों लिए एकीकृत लॉन्च किया गया जी 1992 दे विच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। DPEP एक प्रोजेक्ट है जिसका सहयोगी है। DPEP का सहयोगी कौन है जी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। DPEP का सहयोगी है जी WB। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। IEDC नूं केड़े साल विच DPEP विच जोड़ा गया सी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ना। IEDC नूं DPEP विच जोड़ा गया सी जी 1997 दे विच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। DPEP का मुख्य उद्देश्य है। DPEP का मुख्य उद्देश्य की है जी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ना। DPEP का मुख्य उद्देश्य है जी सिक्ख्या की गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपाहज व्यक्तियों के मुड़ बसेवे लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम कदों आरंभ किया गया सी? अपाहज व्यक्तियों के मुड़ बसेवे लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम कदों आरंभ किया गया सी जी? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ये आरंभ किया गया सी जी 1999 दे विच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों, ये सी अज के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेकर वीडियो चंगी लगे लाइक तो शेयर जरूर कर दिया करो। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।